मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक सोजन नामी ईसाई खातून ने सवाल किया कि आप एक लेक्चर में आपने कहा था कि अंबिया कराम की वफात भी कुदरती होती है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफात कुदरती तौर पर हुई, लेकिन कुरान में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इनकी एक जोजा मोहतरमा ने जहर दिया था। ये बात कुरान मजीद में मौजूद है। अब सवाल ये है कि अगर वो सच्चे पैगम्बर थे तो इन्हें मालूम क्यों ना हो सका कि इन्हें जहर दिया जा रहा है। In your lecture, you said that about the death of the prophets, and in that Moses and Muhammad are of a natural death, and I came across the Quran that Muhammad was given poison from one of his wife, and she gives in such a way that if he is a right prophet, he must be able to discern that he has been given that poison. दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज़ जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाया, इसलिए इन पर मर्ज और जादू के असरात होते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बतौर बशर दुनिया में भेजा ताकि आप लोगों को इस्लाम के अहकामात पर अमल करके दिखाएं कि कैसे इस्लामी तालीमात के तहत जिंदगी गुजारनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी बीमार पड़ जाते तो मुशरिकीन कहते थे कि ये कैसे सच्चे नबी हो सकते हैं, जबकि ये तो बीमार होते हैं, इसके अलावा हमारी तरह जिंदगी गुजारते हैं, खाते और पीते हैं। ऐसे ही जुआज आजकल गैर मुस्लिम पेश करते हैं और तरह तरह की बातों से मुसलमानों को वसवसे दिलाते हैं, जैसा कि सवाल इस खातून ने किया। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सवाल का जवाब नहायत खुश इखलाकी से दिया और कुरान मजीद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये कुरान है, आप इसमें वो आयत दिखा दें जिसमें लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया है। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस मौका पर नहायत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया, हालांकि ये बात इंतहाई गलत है और कोई मुसलमान ऐसी बात सुनकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मजीद कहा कि मैं जो बात भी बयान करता हूं, इसका सबूत और हवाला पेश करता हूं। मैंने वेदों में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कई बार हवाला दिया, ईसाई और यहूदी सहीफों से भी हवाले पेश कर सकता हूं। आप चाहें तो घर जाकर अपने तौर पर भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको सब हवाले दे सकता हूं ताकि आप तस्दीक कर सकें कि मैं सच बयान करता हूं या झूठ। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि कुरान पाक से मुझे ये साबित करके दिखा दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था। आपको कोई ये बात बताकर गुमराह कर रहा है? आप इससे मुकम्मल सबूत मांगे। इससे मिलता जुलता सवाल एक और शख्स ने पूछा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लोगों से बचाकर उठा लिया और वो जन्नतों में जिंदा हैं, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्दनाक मौत से दोचार होना पड़ा, जबकि आप इनको ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल मानते हैं, क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगम्बर नहीं बल्कि इनसे बढ़कर कुछ थे? इस बात पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल ही दुरुस्त नहीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ने नहीं बचाया, बल्कि हिजरत मदीना के वक्त मुशरिकीन इस चीज का अहद कर रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिला कत्ल कर दें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लम को महफूज रखा। जब मुशरिकीन ने आप सल्लम के घर का मुहासा कर रखा था और आप सल्लम बाहर तशरीफ लाए तो कोई आपको ना देख सका, और सुबह के वक्त बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा को पाया तो आपका पीछा किया, लेकिन फिर भी आप तक ना पहुंच सके। इसके अलावा कई मकामात पर अल्लाह ताला ने आप सल्लम की मदद फरमाई और मुशरिकीन के बड़े बड़े लश्करों पर आप सल्लम ने फतह पाई। आप सल्लम ने 63 साल की उम्र पाई और इससे पहले आप अपने मिशन को पूरा कर चुके थे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लम की वफात हुई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैंने तुम पर अपना एहसान तमाम कर दिया और इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। रहा सवाल जो आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाए जाने के बारे में किया, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया भेजे। इन अंबिया की कौमा का अकीदा यही था कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें जिंदा उठा लिया ताकि आने वाले वक्त में वो अपने मानने वालों को ये बता सकें कि इन्होंने खुदाई का कोई दावा नहीं किया था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने मजीद बताया कि हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे
और स्लेब को तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे। अपनी दूसरी आमद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती बनकर आएंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।